राधे राधे, आप सभी को मेरे जो मेरा गोपाल का लाइफ में और मेरा राधा रानी लाइफ में स्वागत है। और अभी लाला तो भूख पा गई है। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी मेरे लाडू गोपाल के बारे में, मेरा राधा रानी के बारे में। जो मेरा गोपाल एक भक्त के साथ क्या क्या लीलाएं करती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कोई गलत काम नहीं कर सकती है, कोई दूसरी रास्ता निकल नहीं सकते है, कोई तंत्र मंत्र या कोई कोई भी काम जो बुरा काम है। जब लाला ने किसी को पकड़ के रख दिए ना, उसको कभी भी, जब लाला जिसका लाइफ में लाला आ जाती है, श्री कृष्ण आ जाती है ना, वो कभी भी किसी को गलत रास्ते में जाने नहीं देती है। ऐसे ही मेरा साथ भी हुआ था। मेरा गोविंद ने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने बहुत लाख कोशिश किया और बहुत सारे लोगों की बात सुनकर मैं ये करूँगी ये करूँगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो नहीं सकते क्योंकि मेरा लाला साथ रहती है। और कभी कभी मैं ऐसा हो जाती है मेरे साथ में भी, मैं ना लाला को कभी। और क्या हुआ था, जो मैंने मैंने सोचा था जो मैं ये करूँगी, लेकिन जो मेरे लिए अच्छा नहीं हो रही है ना, ये मेरे को करने के लिए नहीं देते मेरे लाला। क्योंकि जब श्री कृष्ण किसी को एक बार हाथ पकड़ के लेती है ना, वो कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो जाए, वो कभी भी हाथ नहीं छोड़ती है। क्योंकि हम लोग पूरा सांसारिक मायामों में फंस जाती हूँ। इसकी वजह से हम लोगों को लगती है कि मेरा साथ भगवान ने क्यों ऐसा किया है, मेरे साथ कितना बुरा क्यों किया भगवान। लेकिन नहीं, भगवान जो करती है ना, वो ईश्वर जो करती है ना, हम लोगों का अच्छे के लिए करती है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। मेरा लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन मैं तो आप लोग जानती है मैं गौ माता की सेवा करती हूँ, वेटनरी में छोटा सा एक जॉब करती हूँ। और मेरा लाला का कृपा से मैं अभी भी कर रही हूँ जॉब, और मेरा लाला साथ दे रही है मेरे को। और मेरे से मेरा जो एक मेरा मैं आप लोगों के ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, थोड़ा घुमा के बात करूँगी आप लोगों को, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मेरा लाला मेरे साथ क्या बर्ताव किया है, मेरे साथ क्या क्या लीला किया है। जो मेरा लाला एक दिन मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने क्या मेरा पप्पू बेटा के साथ मेरा एक हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे मुझे एक सीनियर ऑफिसर मिला। सीनियर ऑफिसर के पास मैं जाकर थोड़ा कुछ मेडिसिन के लिए थे गई थी। वहाँ पर थोड़ा कुछ ऑफिसियली के काम में गई थी वहाँ पर, उसको मिला अचानक से। लेकिन उसको मिलने के लिए हम लोग नहीं गई थी, वो आ गई थी। लेकिन उसने बोला था क्योंकि मैं जो काम करती हूँ ना, वो थोड़ा डाटा मैं किसी को दे दूँगी, मुझे किसी के और न्यू पर्सन जो जॉब मिला है उनको उसको देने के लिए दिया था। लेकिन पप्पू बेटा ने बोला कि मैं था उसको चाहिए तो वो कल करने के लिए दीजिए सर, हम लोगों को कोई बात नहीं, हम लोग दाता उनको दे दूंगी, क्योंकि वो न्यू है, न्यू जॉब में अभी एंगेज हो रही है, इसलिए उसको बता देना कि उसको हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है, ऐसा बोला था। लेकिन जो जिसको हम लोगों ने ऐसा बोला था, उसको थोड़ा बुरा लगा था। और जो ऑफिसर था, हम लोगों ने ये बात बोल के तो हम लोग चली आई थी कुछ महीना, ऐसे ही 6 मंथ 7 मंथ ऐसे ही चली गई, यूँ ही चली गई थी। हम लोग काम कर रही हूँ फील्ड में, जब फील्ड में ड्यूटी भी चल रही है, फील्ड का काम भी कर रही है, ऐसे 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 दिन बीत गई थी। उसके बाद कुछ दिनों से पहले मेरे को मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल है उसका खाता में पैसा आ गई थी, काम करने की वजह से जो इंसेंटिव है वो आ गई थी। उसके बाद मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा अमाउंट आएगा मुझे ऐसा लग रही थी, लेकिन सभी का अमाउंट आ गई थी लेकिन मेरा अमाउंट नहीं आई थी। नहीं आने की वजह से मुझे लगा कि क्यों मेरे पैसा नहीं आया। मैंने ऐसे पूछताछ किया ऑफिसर में, ऑफिसर को कॉल किया क्यों मेरा पैसा नहीं आया है। उसने बोला कि आपका पैसा हॉल आपका जो पैसा है ना वो हॉल कर दिया है। मुझे लगा कि हॉल का शायद मेरा थोड़ा अमाउंट हैवी होगा, इसकी वजह से मुझे मेरा पैसा है हॉल कर दिया होगा शायद। उसके बाद मैंने कुछ दिन गई ऐसे ही, 1 मंथ चली गई, 2 मंथ चली गई, 3 मंथ 6 मंथ 8 मंथ ऐसे चली गई थी। पैसा नहीं दिया, मुझे तकलीफ हुआ चलने के लिए, क्योंकि मुझे अपना खुद का किराया रूम का पैसा देना ही है बहुत सारे। तो मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि मैं ऑफिसर के साथ बात करूंगी। वो ऑफिसर के साथ बात करने के बजाय मुझे एक मेरा सीनियर ऑफिसर ने बताया, क्योंकि मेरे से किसी का उन्होंने मेरे बारे में बहुत बड़े बड़े बहुत बुरा बुरा बात करके मेरा जो ऊपर सीनियर लेवल का ऑफिसर है उसको लगा दिया, उसको लगा कर पूरा एकदम मेरा पैसा हॉल कर दिया। उन लोगों ने पूरा खाने के लिए तैयारी कर रही है पैसा,
मुझे ऐसा बताया। जो ऑफिसर मेरे साथ दे रही है उसको भी उन लोगों ने पूरा एकदम घुमा फिरा के उसको ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद मुझे तो कोई रास्ता नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगभग मिनिमम 3 इयर्स लग चुकी है, अभी 3 इयर्स हो गई है। 3 इयर्स के बाद मुझे पता नहीं है कहाँ कहाँ जाऊँ, किसको मैं हेल्प मांगूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रही, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा जॉब कर रही हूँ। बहुत बड़ी बड़ी लोग यहाँ पे शामिल हैं, लेकिन क्योंकि मुझे कभी भी मार देगी, कभी भी मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम कर देगी, ऐसा होगा। इसके बाद मैंने बहुत दिन ऐसे ही मैंने स्टॉप कर दिया वो बात। और मैंने किसका पैर में बहुत बार जाके मैं पूरा पैर में धड़ के पैर में पढ़ पढ़ के मैं उन लोगों को बहुत बार रिक्वेस्ट किया, सर मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। और गाइस मैं ना कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने थोड़ा गलती किया था। गलती क्या हुआ, मैंने उनको वो बात बता नहीं सका। जो ऑफिसर ने हम लोगों के साथ बात कर रही थी उसको हम लोगों ने ऐसा थोड़ा बिहेवियर हम लोगों का थोड़ा राफ्ट हुआ था, इसकी वजह से ये तो उन्होंने कर ही दिया। उसका जो सीनियर का जो पावर होती ना वो मेरे को दिखा दिया। दिखाने के बाद मैंने बहुत बार गिर गिरा उनके साथ, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ये छोड़ दिया। तो मुझे हेल्प करने के लिए मैंने गोपाल को, मेरे ये गोपाल है ना, ये मुझे बहुत प्यार करती है, इनको मैंने बता दिया लाला मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रही है, तुम कृपा करो, जो भी हो मेरा जो भी प्रॉब्लम हो तुम सॉल्व करोगे। कुछ दिनों के बाद मैं नाम ले रही थी इस रूम में ही, अचानक से मेरा कॉल आया एक ऑफिसर का। ऑफिसर ने कॉल करके बताया कि मैं हेल्प करूँगी तुमको। अचानक से उन्होंने हेल्प करने के लिए गई थी वहाँ पर, मेरा ऑफिस गई। ऑफिस जाने के बाद उनको भी बहुत घुमा फिरा के उनको भी वहाँ से बात करके चली आई। वो तो मेरे तरफ से बात करने के लिए गई थी, लेकिन उसको बताया हाँ हम देखूँगी ऐसा बोला। लेकिन कुछ दिनों के बाद बात घुमा फिरा के मुझे ही अचानक से ऐसा बोला कि तुमको सज़ा मिलेगी, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। और बहुत सारा मेरे को इंजाम लगा के मेरे को पूरा दबा के रखा दिया। मैं तो पैसा बात तो छोड़ ही दिया, मेरे से बहुत सारा पैसा भी ले लिया। मैंने इंटरेस्ट 10 रुपीज़ के इंटरेस्ट में पैसा लेकर आया, मैंने गोपाल के शरणों में पूरा समर्पण कर दिया था। उसके बाद ऐसे ही चली गई थी। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ जिसने ये काम किया है उसका बहुत बुरा हालत हुआ है, क्योंकि अभी मैं वीडियो में रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारे बेटे हैं, किसी को वो बात उसका कान में पड़ जाएगी मेरा और बुरा हालत बना देगा, इसलिए मैं नहीं बताऊँगी। उसका एक्सीडेंट हो गई थी, वो आदमी जो है वो आदमी बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुआ है। मेरा थोड़ा अमाउंट खर्च हुआ था, उसका बहुत हैवी अमाउंट खर्च हुआ है। उसके बाद मेरा जो डिस्पेंसरी है उसके डॉक्टर को भी उन्होंने बहुत बात घुमा फिरा के बात बोल के मेरे को बहुत टर्चा किया है। उसके बाद मैंने ऐसे ही शरण दिया मेरे गोपाल के शरणों में। अभी तक वो कम मुझे ऐसे ही पैसा मेरे से खा रही है, मुझे मालूम नहीं खा रही है ले रही है, लेकिन मेरा एक गलत रास्ते था। मेरा भी क्या हुआ था, मैंने कुछ गांव का जहाँ पर भराना था दादा वहाँ पर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा भी गलती है, इसलिए मैं गोपाल के शरण में समर्पण हो गई थी। जो भी होगा मेरे लाला देखूँगी। बहुत बड़ी ये प्रेस बहुत बड़ी था, मेरे ऊपर बहुत बड़ी इंजाम लगाई थी, लेकिन मेरा लाला था इसलिए मेरे लाला ने कृपा किया है। कभी भी कुछ भी हो जाए मेरे लाला के साथ में हूँ, लाला मेरे हमेशा मेरे साथ है, कोई मुझे कुछ भी कर नहीं सकते, या काला जादू या तांता मंता कुछ भी हो, जो भी कर सकते हैं ना वो इतना जल्दी मेरे ऊपर असर नहीं करती है। मेरा लाला मेरा राधा रानी है। और क्या हुआ है जो आप लोगों को शायद इसलिए मैं ये वीडियो अभी बना रही हूँ, क्योंकि गोपाल का शरण में जो जाती है ना उसको कभी भी उसको हिलने के लिए नहीं देती है, किसी के शरणों में जाकर गिर गिराने के लिए नहीं देती है। मेरे लाला ऐसा है, बहुत प्यार करती है। कभी कभी मैं उसके साथ झगड़ता भी हूँ, लाला को बहुत डांट देती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ कभी बहुत बहुत बुरा लीला भी करती है इसकी वजह से। और इन लोगों ने वो भूख अभी पा रही है, और अभी रोमिया आकर बैठ रही है देखो गोपाल का भूख खाने के लिए। और आप लोग भी मेरे साथ मेरे कमेंट में आकर राधे राधे बोलिए, और कैसा लगा मेरे गोपाल के बारे में आप लोगों को सुनकर। और अच्छे लगे तो आप लोगों को भी कृष्ण के कुछ संदेश आप लोगों के साथ हो, तो किस राधा गोपाल श्री कृष्ण आप लोगों के साथ कुछ अमेजिंग फील कराती हो, तो सपने में दर्शन किया हो, तो कुछ लाला ने आप लोगों के साथ
लीला किया तो आप लोग प्लीज स्टोरी शेयर कीजिए, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम बहुत सारे भक्तों के पास मैं भेज दूंगी। और वीडियो को कैसे लगा आप लोग प्लीज राधे राधे कमेंट में जरूर बताएं। शुभरात्रि, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।